कोरोना की मार से आम ही नहीं कई खास लोग भी परेशान हैं। यूपी, हरियाणा और पंजाब में हास्य मंचों के बड़े सितारों में शुमार सहारनपुर के प्रदीप पागल भी परिवार पालने के लिए हास्य मंच छोड़कर चाट का ठेला लगा रहे हैं। प्रदीप कभी सहारनपुर की बड़ी शान होते थे, बड़े बड़े मंचों पर लोगों को हंसाते थे, लेकिन आज मुफलिसी की मार झेल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इन्हें अपना काम बंद करना पड़ा और किराए के दुकान में चाय और खाने पीने का कारोबार कर रहे हैं। जब हम इनसे मिलने पहुंचे तो ये हमें एक चाय की छोटी सी दुकान में समोसे और पूरी तलते हुए दिखाई दिए। प्रदीप पागल ने बताया 1985 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। हास्य के मंच पर इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और कर्नाटक के बड़े मंच पर भी काम किया था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब सब कुछ बंद हो चुका है। तमाम इवेंट्स कार्यक्रम अब खत्म हो चुके हैं। हालांकि प्रदीप को उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना खत्म होगा और वो पहले की तरह लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। लॉकडाउन लग गया, सारे कारोबार खत्म हो गए। 22 मार्च को जिस टाइम जनता कर्फ्यू, उस टाइम ही पहला दिन प्रोग्राम कैंसिल हो गए और सभी तक प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अब तक के बेरोजगार सब खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं कि गाना बजाना होगा नहीं होगा। बस इस कारण अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मैं 400-500 रुपये कमा लेता हूँ और मेरे परिवार की जीविका चल जाती है। मैंने पूरे इवेंट काफ़ी बहुत दूर तक इवेंट किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब काम करने का अवसर मिला। काम क्या करते थे उस समय आप, क्या क्या होता था जी इवेंट के जब चलते थे, क्या क्या होता था उसमें? लाइव डीजे भी करते थे, लाइव बैंड भी करते थे, हास्य बैंक भी रहता था, सब कुछ रहता था जी। पूरे पारिवारिक और फैमिली प्रोग्राम करने का अवसर मिलता था। किन बड़े बड़े विभूतियों के साथ आपने काम किया? मैंने आदरणीय श्री गुरदास मान जी के साथ, हंसराज हंस जी के साथ, सुखविंदर जी के साथ, काफ़ी लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला, और जावेद अली जी के साथ और वीरेंद्र वी जी के साथ जी। हाँ, राष्ट्रपति भवन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे राष्ट्रपति भवन में काम करने का अवसर मिला। कौन राष्ट्रपति थे उस समय? जी आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। उनसे भी आपकी बातचीत हुई? जी मेरी बातचीत हुई उनसे। क्या कहा था उन्होंने? जी मेरे उन्होंने नाम जब इंट्रोडक्शन तो मेरे नाम पूछा कि भाई आपका नाम पागल क्यों? वो मेरा नाम सुन के मैंने कहा मेरा नाम प्रदीप पागल है, तो बहुत हंसे कि आपको पागल क्यों कहते हैं? मैंने कहा पागल परमात्मा के चरणों में पागल, पागल किसी की बात को पालने वाले को पागल कहा गया। क्या मैसेज है? मैं कलाकारों के लिए मैसेज, कलाकार ने चाहे दुनिया में कहीं भी काम किया हो, काम कोई छोटा बड़े नहीं, आज हमारा काम खत्म हो गया कोई बात नहीं, हमें अपने परिवार काम करने के लिए कोई भी काम करें, अपने परिवार को पालने के लिए ईमानदारी के जरिए कोई काम करे उससे हमारा परिवार चलेगा। आप घबराइए मत, कोरोना खत्म होगा पूरी दुनिया से और हमें फिर काम मिलेगा, फिर हमारे देश और दुनिया का फिर वैसे ही विकास होगा। हादसे के रसगुल्लों से लोटपोट कराने वाले प्रदीप इन दिनों अपने पकौड़े चाट के स्वाद का लोहा मनवा रहे हैं। लॉकडाउन में पूरी जमा पूंजी समाप्त हो गई है, लेकिन उन्होंने परिवार पालने के लिए हाथ नहीं फैलाया। चाट के ठेले से दो पैसे कमाकर वो परिवार पाल रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।